नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राव अवतार सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा, सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हकों व अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है आयोग का गठन। गोरखपुर जिले के निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड को किया गया है चेक, नहीं पाया गया कोई कमी। जनप्रतिनिधियों की जानी गई है समस्या, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जाफरा बाजार में रियाज कुरैसी नाम के व्यक्ति को दबंगों ने मारी गोली, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, चल रहा है इलाज। एसपी सिटी ने कहा, अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तहरीर, तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। एक लाख रुपए से ज्यादा के बिजली के बकायेदारों के विरुद्ध आरसी हुआ जारी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के साथ अभियान चलाकर बकायेदारों के पतों पर पहुंचकर तत्काल बिजली का बिल जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर काटी जाएगी कार्यालय व घर की बिजली। भू राजस्व अधिनियम के तहत करेंगे वसूली। 31 मार्च तक 50 करोड़ बकाया बिल जमा करने का बनाया गया है लक्ष्य। नगर निगम एवं नगर पंचायत में प्रावधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की बैठक उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सकुशल हुआ सम्पन्न। नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सभासदों से जाना उनका पक्ष, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिया निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा नौकायन से पैडलेगंज तिराहा तक मानव श्रृंखला का निर्माण व सड़क सुरक्षा शपथ के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों और नागरिकों ने एक साथ लिया सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने का शपथ। से 26 जनवरी तक गोरखपुर में उत्तर प्रदेश दिवस का किया जा रहा है आयोजन। विकास भवन में विभिन्न विभागों का लगाया जाएगा स्टॉल। महाविद्यालय में भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। वाणिज्य कर विभाग के टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। नव निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री सहित अन्य सभी पदाधिकारियों को दिलाया पद व गोपनीयता की शपथ, वितरित किया प्रमाण पत्र। कहा, सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई को लड़ते हुए उनकी समस्याओं का कराएंगे समाधान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर में निकाय चुनाव के संबंध में प्रत्याशियों से उनके समस्याओं को जाना गया है और उनसे बात की गई है। गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ पर निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड को चेक किया गया है, कोई भी कमी नजर नहीं आई है और कुछ कमी है तो उसके निस्तारण के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना पत्र ले लिया गया है, जिसका निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह जिले स्तर पर मीटिंग बुलाकर उनके साथ बैठक कर लें और उनके समस्याओं को निस्तारण करें। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के जिले में कोई कमी नजर नहीं आई है। उन्होंने पिछड़ा आयोग का गठन इसलिए किया है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। जिले में 50% निकाय चुनाव में आरक्षण दिया गया है जो कि ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता है। इसके अलावा सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा, अभी आपके सामने
हमारा आयोग कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आया और जनता के प्रतिनिधियों व अन्य लोगों से विचार विमर्श किया। ये जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है और हमने सभी रिकॉर्ड देख लिया, किसी भी प्रकार की कोई भी संगति नज़र नहीं आती। थोड़ी बहुत अगर है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र ले लिए गए हैं और हम डीएम साहब से कहेंगे कि वो एक मीटिंग बुलाएं पब्लिक की, जिसके बारे में जो समस्याएं हैं उनके हल करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी के जनपद में किसी प्रकार की भी कोई विसंगति या किसी प्रकार का कोई परेशानी नज़र नहीं आई। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आयोग का गठन किया ताकि ओबीसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले और ठीक प्रकार से उनका उनकी रक्षा अधिकारों की रक्षा हो सके। और मेरा ख्याल से किसी प्रकार की भी विसंगति नहीं है। 27% से अबव ही सबका रिप्रेजेंटेशन है, जो मैक्सिमम है, सबसे अधिक, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। 50% जन सब रिजर्वेशन से ऊपर नहीं जा सकता। किसी प्रकार के आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए। हाँ हाँ बताया है, वही बताया, सब नोट किया। हमने प्रार्थना पत्र भी ले दिए, किसी भी तरह की शिकायत है, और डीएम साहब, कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भी सुना, आपकी समस्याएं हल करेंगे वो, किसी भी तरह की होगी। मेरा ख्याल कोई समस्या और तो नहीं लगती। लिखित में प्राप्त कर ली गई उनकी शिकायतें, उन पर ध्यान दिया, लिखित में प्राप्त कर ली गई हैं और उनका निराकरण भी होगा। डीएम साहब से बात करेंगे, डीएम साहब को मालूम भी हो गया, वो वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप में पब्लिक को भी बुलाएंगे और मीडिया वालों को बुलाएंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। आपत्तियों पर कौन सी वाली आपत्ति? हाँ आपत्तियाँ ले ली गई हैं और डीएम साहब से बता रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो इनको इसका निराकरण करेंगे। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार में दबंगों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। आपको बता दें कि सोमवार की शाम 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान रियाज कुरैसी पुत्र साहबुद्दीन कुरैसी खोशीपुर थाना तिवारीपुर के रूप में हुई है। वही घटना की सूचना मिलने पर तिवारीपुर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर व्यक्ति का इलाज चल रहा है। वहीं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कहाँ पड़ता है? तिवारी पर पड़ता है। एडीएम फाइनेंस
एक्सपीरियंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद के 1,00,000 रुपए से ज्यादा बिजली के बकायेदारों के विरुद्ध आरसी जारी हो चुका है। उनके पतों पर पहुंचकर बिजली का बिल तत्काल जमा करने और बकाया जमा न करने वालों का बिजली के कनेक्शन को काटने का ऑन स्पॉट निर्देश दिया गया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग और विद्युत विभाग के साथ हम लोग आरसी बकायेदारों के पास गए थे और वहां बकायेदारों को कहा गया है कि यदि वह 2 दिन के अंदर अपने बकाए बिल को जमा नहीं करते हैं तो उनके कनेक्शन को काट दिया जाएगा, भू राजस्व अधिनियम के तहत वसूली करेंगे। उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ जगहों पर गए भी थे। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि जिनकी 1,00,000 से ऊपर की बिजली बकाया है उनकी बिजली को काट दें और तब तक उनकी बिजली चालू ना करें जब तक वह बिल की धनराशि जमा ना कर दें। जिनको लगता है कि आरसी की धनराशि गलत जोड़ दी गई है या ज्यादा है तो वह विद्युत विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उसको सही कर दिया जाएगा और अपने बिल को जल्द से जल्द जमा कराएं। उन्होंने बताया कि यह अभियान अभी 31 मार्च तक चलता रहेगा और हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि 31 मार्च तक 50 करोड़ बकाया बिल की वसूली करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ और हम लोग जैसा कि कल तय किया गया था कि जो भी बिजली के बकायेदार हैं सबके यहाँ हम लोग अप्रोच करेंगे, उनको नोटिस की तामीला कराएंगे और प्रयास करेंगे कि वो सेम डे जितना पैसा बकाया है तत्काल जमा कर दें। अभी हम लोग बसारतपुर की एक साइट पर हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस मकान में 6,00,000 की बकायेदारी है और फिर भी इसका कनेक्शन चल रहा है। तो मैं जो भी विद्युत विभाग के अधिकारी लोग हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा, जो भी ऐसे 1,00,000 से ऊपर के बकायेदार हैं जिस परिसर में बकाया है उस परिसर की बिजली तत्काल काट दी जाए जिससे लोग इस पैसे को जमा करें। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और जैसा कि कल भी हमने बताया था, कल एक हम लोगों ने बड़ी बैठक की थी जिसमें पूरे जनपद के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे और प्लस विद्युत विभाग के लोग थे। इस जनपद में लगभग 180 करोड़ रुपए की आरसी बकाया है। आज हम लोग फील्ड में निकले थे कि जहां पर भी होगा जैसे भी होगा लोगों को तामील कराएंगे आरसी और यथासंभव उसको वसूली भी कराएंगे। हम लोग अभी कुछ स्थल पर गए थे। मेरा निर्देश है विद्युत विभाग के लिए कि जो भी ऐसे आरसी होल्डर हैं जिनकी 1,00,000 से ऊपर की बकाया है एकदम तत्परता से कल परसों तक उनकी विद्युत काट दें और तब तक उनका विद्युत संयोजन न करें जब तक वो आरसी की धनराशि जमा न कर दें, या अगर उनको लगता है कि आरसी की धनराशि गलत कैलकुलेटेड है, ज्यादा है, तो विद्युत विभाग से संपर्क करें, उसको रिकैलकुलेट कराएं, उसको फटाफट जमा कराएं। ये अभियान अभी 31 मार्च तक लगातार चलता रहेगा और हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि 31 मार्च तक लगभग 50 करोड़ रुपए की वसूली करा लेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के नगर निगम एवं नगर पंचायत में प्राविधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों का बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल सम्पन्न हुआ। इस दौरान माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को विस्तार से बताते हुए कहा कि 28 दिसंबर 2022 को इस आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मतों एवं फीडबैक के आधार पर यह समीक्षा करना है कि पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27% आरक्षण प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं और ओबीसी की राजनीतिक भागीदारी कितनी है तथा राज्य नगरीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रवृत्ति और उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। उन्होंने नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सभासदों से फीडबैक और उनका पक्ष जाना तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संतोषजनक है। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए रोटेशन संबंधी सवालों पर माननीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को इस संबंध में जानकारी देने हेतु कहा कि जनप्रतिनिधियों की एक कार्यशाला आयोजित कर रोटेशन प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाए। वहीं जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने माननीय अध्यक्ष सहित आयोग के सभी सदस्यगण को आश्वस्त किया कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देश व सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा, महेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार सोनी, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित नगर निकायों के जनप्रतिनिधि, सभासद एवं अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
जारी है। जिनको हम लोगों ने जितनी पॉपुलेशन को 10 वार्डों में समझ लिया है सर, पहले हमारे पास 70 वार्ड थे सर, हमारे पास 80 वार्ड हो गए सर। प्रस्ताव भी जो है वो साधन से जब हमारा ये बढ़ा तो पहले 70 वार्ड थे सर, अब पॉपुलेशन जब पहले सर हमारे पास जो पॉपुलेशन है बताना चाहूँगा सर। पेज नंबर 4 सर, विस्तारीकरण के बाद अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राव अवतार सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हकों व अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है आयोग का गठन। गोरखपुर जिले के निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड को किया गया है चेक, नहीं पाया गया कोई कमी, जनप्रतिनिधियों की जानी गई है समस्या, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जाफरा बाजार में रियाज कुरैसी नाम के व्यक्ति को दबंगों ने मारी गोली, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, चल रहा है इलाज। एसपी सिटी ने कहा अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तहरीर, तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। ₹1,00,000 से ज्यादा के बिजली के बकायेदारों के विरुद्ध आरसी हुआ जारी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के साथ अभियान चलाकर बकायेदारों के पतों पर पहुंचकर तत्काल बिजली का बिल जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर काटी जाएगी कार्यालय व घर की बिजली, भू राजस्व अधिनियम के तहत करेंगे वसूली। 31 मार्च तक 50 करोड़ बकाया बिल जमा करने का बनाया गया है लक्ष्य। नगर निगम एवं नगर पंचायत में प्रावधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की बैठक उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सकुशल हुआ सम्पन्न। नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सभासदों से जाना उनका पक्ष, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिया निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा नौकायन से पैडलेगंज तिराहा तक मानव श्रृंखला का निर्माण व सड़क सुरक्षा शपथ के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों और नागरिकों ने एक साथ लिया सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने का शपथ। से 26 जनवरी तक गोरखपुर में उत्तर प्रदेश दिवस का किया जा रहा है आयोजन। विकास भवन में विभिन्न विभागों का लगाया जाएगा स्टॉल। महाविद्यालय में भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। और वाणी
वाणिज्य कर विभाग के टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। नव निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री सहित अन्य सभी पदाधिकारियों को दिलाया पद व गोपनीयता की शपथ, वितरित किया प्रमाण पत्र। कहा, सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई को लड़ते हुए उनकी समस्याओं का कराएंगे समाधान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा नौकेगंज से पैडलेगंज तिराहा तक मानव श्रृंखला का निर्माण व सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जनपद के 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों एवं नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर यातायात नियमों का शपथ दिलाया। सभी बच्चों ने शपथ लिया कि वह वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करेंगे और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर वाहन को चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा अपने घर परिवार के लोगों, अपने मित्र व सहयोगियों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। इसके अलावा गोरखपुर प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर स्कूल के 15,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को यातायात नियम का शपथ दिलाया गया है, जिसमें 11,000 स्कूल के बच्चे व बाकी विभाग के लोग शामिल हुए हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो कि गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है। सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। इस अवसर पर कमिश्नर रवि कुमार NG, RTO अनीता सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर नेहा बंधु, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूली छात्रों यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष निशा किन्नर, RTO अनीता सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उनको ये पर्चा देते जाएंगे। उमा जी, ये पर्चे मैडम लोग आ रही है, पर्चे इनको दीजिएगा बीच में। हमसे तमाम सवाल करेगी, बल्कि तुरंत हम उसे आपातकालीन नंबर पर फोन करके उसे एम्बुलेंस के माध्यम से, अपने माध्यम से उसे जब तक पहुंचा सकते हैं। और इसका परिणाम होगा कि एक जिंदगी का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कराएंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। श्री MP सिंह साहब, मैं चाहता हूँ अनुरोध है कि अपने अपने विद्यालय के सामने सेंटर में खड़े रहे। हम लोगों का एक देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों के अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। जैसा व्यक्ति है वो नहीं लगाता, तो हम तो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सुरक्षित नहीं हो पाता। तो ये जरूरी है कि दोनों वहाँ रास्ते पे चलने वाला हर एक व्यक्ति उनका रिश्तेदार नहीं होता है।
ये हमारा गोरखपुर हमेशा कुछ नया करता है। कोहरा होने पर अपने वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर रखें। कोहरा होने पर अपने वाहन को धीमी गति से चलाएं और अपनी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये आज सम्मानव श्रृंखला बनाई जा रही नेताजी सुभाष सिंह बोस जी के जन्मदिन पर। और आज सारा मतलब पूरा उत्तर प्रदेश आज 11:30 पे शपथ लेगा सड़क सुरक्षा के कुछ शपथ। घटनाओं से बचे, कोहरे में फॉग लाइट और ई फॉगर का प्रयोग करें। कोहरा होने पर अपने वाहन परिवहन विभाग गोरखपुर का पालन करें। इस क्रम में परिवहन विभाग आपसे विनम्र निवेदन करता है, गति से वाहन न चलाएं, गति सीमा का पालन करें और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित। माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक आज हम सब मिलकर मौके देकर आपका झां साहब से कि आपका अभिनंदन मिलकर एक साथ शपथ लेंगे। मैं आग्रह करता हूँ अपने मुख्य अतिथि माननीय विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम एक ही समय पर मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी जहाँ हम सब खड़े 11,000 से अधिक यहाँ पर यहाँ के नागरिकगण अधिकारीगण और प्यारे बच्चे यहाँ खड़े हैं। पूरे प्रदेश में आए गिनीज बुक में आज दर्ज होने जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत। हम सब अपना अपना दाहिना हाथ आगे निकालेंगे और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं वह पीछे बैठे व्यक्ति को चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के गेम नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में नहीं करेंगे। लेकिन 40 करोड़ लोगों के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर मैं आप सब की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत मैं गोरखपुर के प्रशासन को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी कभी जब हम लोग दिल्ली जाते थे, बाहर जाते थे, अन्य बड़े शहरों में जाते थे तो वहां ट्रैफिक के नियमों का देखकर पालन करते थे। रेड लाइट होती थी रुक जाते थे, हरी लाइट होती थी चल देते थे। लेकिन वहीं गोरखपुर में या छोटे शहरों में आकर के उसका पालन नहीं होता था। विगत वर्षों एक वर्ष से लगभग गोरखपुर में भी इस नियम का 100% पालन हो रहा है। लोग अनुशासन के साथ ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, ट्रैफिक रेगुलेट हो रही है। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सबने जो शपथ लिया है
जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। हम सब इस ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। मैं आप सबका आज के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करते हुए इतनी बड़ी संख्या में ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए बहुत सारे हमारे शिक्षा विभाग से लेकर के आरटीओ प्रशासन यहाँ पर अनिल सिंह जी, आरटीओ यूपी सिंह जी, एमपी सिंह जी, विनीत सिंह जी, एडीएम सिटी ज्ञानेंद्र सिंह जी, प्रवीण कुमार जी, संजय झा जी, एआरटीओ प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डीआर साहब मौजूद हैं। मैं सभी यहाँ उपस्थित नागरिक बंधुओं का, बहनों भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में हम गिनीज बुक में दर्ज करने जा रहे हैं कि अनुशासन का पालन करते हुए कैसे हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आप सबके बीच में इस मानव श्रृंखला का मेरे सब लोग एक लाइन में रहे, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उधर से आ रहा था, मतलब कोई भी ऐसा बीमार हमारे सम्मानित अतिथि मानव का निरीक्षण कर रहे हैं। यातायात नियम अपनाना है, यातायात नियम अपनाना है, गोरखपुर स्मार्ट बना रहा है, ठीक है, हम बोलेंगे यातायात नियम स्टेडियम सरकार नहीं बना। My college name is DAV PAG college। कभी भी गलत समय में मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और हमें चलते समय सही दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए और ड्रिंक करके हमें कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। धन्यवाद। आज आप लोग को शपथ दिलाया क्या बताएगा? शपथ में यही बताया गया है कि हमें गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलानी चाहिए, शराब पीकर नशे में हालत में नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, यही शपथ में बताई गई है। माय नेम इज़ रोशनी वर्मा और माय कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज, मैं बक्सीपुर से हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि सड़क सुरक्षा शपथ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदा यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं और पीछे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहन लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क सुरक्षा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः हम सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। हवा के झोंके से बुझी मोमबत्ती तो दोबारा जल जाएगी, पर सड़क पर जरा सी लापरवाही में गई जान वापस नहीं आएंगी। जय हिंद, जय भारत। 2023 से 4 फरवरी 2023 तक जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये आज सर्वमानव श्रृंखला बनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मतिथि पे। और आज सारा मतलब पूरा उत्तर प्रदेश आज 11:30 पे शपथ लेगा सड़क सुरक्षा के कुछ शपथ। मैं निशा किन्नर गोरखपुर से, न्यू इंडिया हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष। सभी बच्चों को यातायात का नियम बताया गया है ताकि बच्चे अपने पापा को, अपने भैया को जाकर के घर में सबको बताएं कि यातायात का नियम अपनाएं और स्मार्ट बने, अपने बने, अपने जिलों को बनाएं, अपने शहर को बनाएं और सब लोग सुरक्षित रहें, बस हमारा कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ऐसा एक कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाए जो हमारे विश्व रिकॉर्ड के रूप में कीर्ति माने स्थापित कर सके। उसी उपलक्ष्य में पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में और साथ में गोरखपुर में भी सभी बच्चों को, सभी नागरिकों के साथ मानव श्रृंखला बनाने का आदेश दिया गया था। और आज हमारे गोरखपुर जनता में कम से कम 15,000 से ज़्यादा बच्चे और नागरिक यहाँ पे इकट्ठा, सिर्फ पैडलीगंज से रामगढ़ ताल पे इकट्ठा हुए हैं और जन जन तक जो है सड़क सुरक्षा का नियम बताने के लिए जो है यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। और अभी ये कार्यक्रम तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी होगा और वहाँ के भी लोग और जगह जगह ऑफिसर्स में भी लोग मानव श्रृंखला बनाकर इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज यातायात सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसी कड़ी में गोरखपुर के
सभी विभागों के सहयोग से विशेषतः परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग सभी के सहयोग से पार्टिसिपेशन से यहाँ पे हजारों की संख्या में नागरिकों और बच्चों द्वारा यातायात सुरक्षा शपथ ग्रहण की गई और बच्चों के द्वारा उनके गार्जियंस के द्वारा टीचर्स के द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस शपथ के माध्यम से यातायात सुरक्षा के संदेशों को घर घर तक पहुँचाएँगे ताकि सभी का जीवन सुरक्षित बन सके और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके। थैंक यू। आज सबसे पहले मैं पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती को मना रहा है। मैं सबसे पहले उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करता हूं और गोरखपुर के प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के पावन दिन से ये ट्रैफिक के नियमों का ठीक से पालन हो उसके दृष्टि से एक मानव श्रृंखला यहाँ बनाई है और लगभग मैं देख रहा हूँ ये नौकायन से लेकर के पैडलेगंज तक लगभग 15,000 से अधिक लोग यहाँ, विभाग के लोग अलग हैं, छात्र 11,000 तो केवल छात्र छात्राएं आए हैं। एक बड़ी मानव श्रृंखला आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित है और आज गिनीज बुक में दर्ज होने जा रहा है कि लोग किस प्रकार से ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, लोग सुरक्षित रहें, यात्रा सुरक्षित हो, हेलमेट का लगाएं, सड़क के नियमों के यातायात के नियमों का पालन करें, उसकी दृष्टि से ये एक विशाल मानव श्रृंखला है। मैं भी उस कार्यक्रम में आया हूं, एक निरीक्षण भी कर रहा हूं और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जितने भी विभागों के लोग लगे हैं सबको मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोरखपुर में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक विकास भवन में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि गोरखपुर के विकास भवन में 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए विकास भवन में विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कृषि विभाग के स्टॉल, खेल विभाग, सेवा योजना विभाग के स्टॉल सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इस वर्ष का जो उत्तर प्रदेश की थीम है वह निवेश रोजगार है। उन्होंने बताया कि खेल विभाग के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय में रंगोली व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन गोरखपुर में 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टॉल लगाए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि विभाग का स्टॉल लगाया जाएगा, इसके अलावा खेल विभाग की तरफ से भी स्टॉल लगाए जाएंगे, पंचायती राज विभाग NRLM के द्वारा, मनरेगा के द्वारा। साथ ही चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश दिवस का जो थीम है वो निवेश एवं रोजगार है, इसलिए सेवा आयोजन विभाग के द्वारा भी स्टॉल लगाया जाएगा और खेल विभाग के द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायतें हैं, जो स्कूल जो हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में शहरों में जो विद्यालय या महाविद्यालय हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की रंगोली का आयोजन किया जाएगा, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा लोगों को अवगत कराया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में। तो ये सारी मुख्य गतिविधियाँ जो हैं इस बार 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश दिवस में आयोजित की जाएंगी। सब जो बच्चे इसमें प्रतिभा के उनको सम्मानित किया जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चे जो टैलेंट हंट टाइप के प्रतियोगिताएं होंगे, भाषण प्रतियोगिता, इस तरह के रंगोली में जो भी बच्चे अच्छा मतलब रैंक लाएंगे, जो कि अच्छा करेंगे, उन सबों को विभाग की तरफ से सम्मानित भी कराया जाएगा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर सूरज कुंड स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस और पराक्रम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति प्रदान की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने करिश्माई नेतृत्व से देश की युवा शक्ति को संगठित किया। संपूर्ण राष्ट्र नेताजी के पराक्रम और अविरल संघर्ष के लिए सदैव ऋणी रहेगा। हम सब उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए हम सभी नेताजी के बताए मार्ग का अनुसरण करने हेतु संकल्पित हों। इस अवसर पर भाजपा के महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा,
अच्युतानंद शाही, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, ब्रजेश मणि मिश्र, रमेश चंद्र गुप्ता, महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, पार्षद आरती पद्मा गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बोस अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय। मैं थोड़ा सा नीचे चलिए, सब लोग आई को उतार लीजिए, बस अच्छा नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उस पर फिक्र याद किया है, श्रद्धांजलि सदा सुबह अर्पित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भर के डिप्टी मेयर रहे सम्मानित चिरंजीव चौरसिया जी, हमारे भारतीय महामंत्री दिव्य श्रीवास्तव जी, शशिकांत सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता जी, रामपाल जी, मीना श्रीवास्तव जी, पद्मा मीना श्रीवास्तव जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, सनी चौहानी, अंशु गुप्ता जी, राम भोला सिंह जी, रानू सिंह जी, नवनीत त्रिपाठी जी, श्रवण पटेल जी, शिवेंद्र मिश्रा जी, गिरधारी जी, दीपा पांडे जी, त्रिलोकी नाथ जी, राहुल गिरी जी, सुजीत गुप्ता जी, अजय जायसवाल जी, मुकेश गुप्ता जी, कुशुप्रता जी, आरती सिंह जी, अभिषेक शर्मा जी, विपुल त्रिपाठी, मुरली मनोहर जी, विशाल जायसवाल जी, कृष्णपाल यादव जी, संदीप, हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्षगढ़ भारत महारत्न गर्वा और पूरी दुनिया में ऐसा नेतृत्व नहीं पैदा हुआ होगा जिन्होंने देश की खातिर विदेश में जाकर के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन, क्रांतिकारियों का पूरा जीवन, और अगर 1947 में इस देश से अंग्रेज भागने को विवश हुआ तो उसके नियम में जहाँ सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये बड़ा योगदान था। मां ने कहा को चित्र मेरे बेटे का था जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी थी, और इसलिए आज मैं अपने मंगल सूत्र को इस यहाँ पर रखी हूँ ताकि आप जाने कितने इस प्रकार के संस्मरण 1937 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिटलर ने कहा कि मैं 8 करोड़ लोगों का नेता हूँ हिटलर, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय 40 करोड़ भारत की आजादी थी, भारत की आबादी थी। हिटलर ने कहा कि मैं 8 करोड़ लोगों का केवल नेता हूँ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के नेता। जो समय हिटलर ने कहा था, कभी पढ़िए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आज 23 जनवरी है, पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम मना रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। दुनिया में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं जो इस देश के बाहर जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी फौज, आज़ाद हिंद फौज की को खड़ा करके देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को पूरा देश नमन कर रहा है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर सूरजकुंड में यहाँ पर यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के उनको हमने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। वाणिज्य कर विभाग के टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि ने एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाष शंकर पाचक व महामंत्री मानवेंद्र सिंह सहित सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया।
जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने बताया कि टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूं। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ताओं के समस्याओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनकी समस्याओं को हल करेंगे। वहीं इस संबंध में टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रभा शंकर पाठक ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो हमारी नई कार्यकारिणी है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि जो नई कार्यकारिणी है वह पूरे साल से सही ढंग से कार्य करते रहें और एसोसिएशन को और आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाणिज्य कर टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित महामंत्री मानवेंद्र पाठक व अध्यक्ष प्रभा शंकर पाठक तथा उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा। मानवेंद्र सिंह, इस उम्र में भी हमारे हर समस्याओं को, हमारे कर अधिवक्ताओं की हर समस्याओं को, बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्रमबद्ध तरीके से कम एक स्थान पर बैठ जाएं, होता है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो घर परिवार से लेकर देश काल तक यह आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकती। मुख्य अतिथि महोदय को बैज लगाएं और उनका स्वागत करें और उनका अभिनंदन करें। भाई ब्रजन सिंह वरिष्ठ कार्यकर्ता, यह एक मंची डेकोरम है जिसको विजय कुमार पांडे सदस्य हैं और नमनकर इसके बाद इनको हम लोग ओल्ड इज डायमंड कहते हैं। ये जो परंपरा बनाई गई है माननीय वीरेंद्र सिंह जी, मारुति पांडे विशिष्ट अतिथि, कर अधिवक्ता संगठन के इतिहास अब्बासी, ये रही दीप सिखा जाती है, दीप या दिया, दिया तो नियमित आज सत्र 2022-23 की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का ये अवसर है। विवेक, पेपर काफी भेजवा दो, ऊपर भी ना और इस अवसर पर हम सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। परम पिता को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, अधिवक्ता हित के लिए निरंतर संघर्षशील रहकर बात कार्यों को न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। साथ ही साथ यह भी शपथ लेता हूं कि कोई ऐसा कृत्य या आचरण नहीं प्रस्तुत करूंगा जो न्याय हित और विधि व्यवसाय की मर्यादा को विपरीत। धन्यवाद। तो कुछ शाहरुख सब लोग ले लें हाथ में और ग्रहण करें। पिता को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा पूर्वक ये शपथ लेता हूँ कि टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के संविधान की गरिमा को अक्षुण बनाए रखूंगा, अधिवक्ता हित के लिए निरंतर संघर्षशील रहकर वाद कार्यों को न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। साथ ही साथ ये भी शपथ लेता हूं कि कोई ऐसा कृत्य या आचरण नहीं प्रस्तुत करूंगा जो न्याय हित विधि व्यवसाय की मर्यादा के विपरीत हो।
मानेंद्र सिंह महामंत्री। यह शपथ ग्रहण समारोह है 17-22-23 टेक्स एडोको एसोसिएशन गोरखपुर। हम लोग निर्वाचित हुए हैं, आप अध्यक्ष जी हैं हमारे, और मैं महामंत्री मानेंद्र सिंह, और कार्यकारिणी हमारी 20 की कार्यकारिणी सबको हमारे एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्री बीएन गुप्ता जी ने आज उसी का उसी सम्मान सारे कार्यकारिणी सदस्यों का और हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह है और सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये निर्वाचित हुए हैं, इसी के ऊपर यह कार्यक्रम रखा गया। मैं प्रभा शंकर पाठक, अध्यक्ष नवनिर्वाचित टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन गोरखपुर का 17-22-23 के लिए हुआ हूँ। हमारे साथ खड़े हैं मानविंदर सिंह, ये महामंत्री के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आज हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह है और हमारे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी आ रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष श्री बिक्रमजीत सिंह भदौरिया जी आ रहे हैं, माननीय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन साहब और मुंडा टिमल हमारे विशेष अतिथि होंगे। आज का ये कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी को नई जो भी हमारी कार्यकारिणी है उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। वो पूरे साल अनवरत इसी रूप से मेहनत से काम करते रहें और इस बार को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, धन्यवाद। आज नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है सेंट लुइस में। सभी लोगों को जो नव निर्वाचित हुए हैं उनका आशीर्वाद देता हूँ, उनकी कामना पूरा करने के लिए कहता हूँ। वो अधिवक्ताओं और उनके मान प्रतिष्ठा की जो भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राव अवतार सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हकों व अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है आयोग का गठन। गोरखपुर जिले के निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड को किया गया है चेक, नहीं पाया गया कोई कमी, जनप्रतिनिधियों की जानी गई है समस्या, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जाफरा बाजार में रियाज कुरैसी नाम के व्यक्ति को दबंगों ने मारी गोली, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, चल रहा है इलाज। एसपी सिटी ने कहा अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तहरीर, तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। ₹1,00,000 से ज्यादा के बिजली के बकायेदारों के विरुद्ध आरसी हुआ जारी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के साथ अभियान चलाकर बकायेदारों के पतों पर पहुंचकर तत्काल बिजली का बिल जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर काटी जाएगी कार्यालय व घर की बिजली। भू राजस्व अधिनियम के तहत करेंगे वसूली। 31 मार्च तक 50 करोड़ बकाया बिल जमा करने का बनाया गया है लक्ष्य। नगर निगम एवं नगर पंचायत में प्रावधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की बैठक उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सकुशल हुआ सम्पन्न। नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सभासदों से जाना उनका पक्ष, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिया निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा नौकायन से पैडलेगंज तिराहा तक मानव श्रृंखला का निर्माण व सड़क सुरक्षा शपथ के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों और नागरिकों ने एक साथ लिया सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने का शपथ। चौबीस से 26 जनवरी तक गोरखपुर में उत्तर प्रदेश दिवस का किया जा रहा है आयोजन। विकास भवन में विभिन्न विभागों का लगाया जाएगा स्टॉल। महाविद्यालय में भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। वाणिज्य कर विभाग के टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। नव निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री सहित अन्य सभी पदाधिकारियों को दिलाया पद व गोपनीयता की शपथ, वितरित किया प्रमाण पत्र। कहा, सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई को लड़ते हुए उनकी समस्याओं का कराएंगे समाधान। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।